हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में एक बात बोली थी कि और एक से पहले भी एक दो वीडियो में बोली थी कि पत्नी और वेश्या में बहुत सारी समानताएं होती हैं, एक दो अंतर को छोड़ के। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि अगर मैं ये बोलूँगी वेश्या और पत्नी में अंतर, तो वो तो सभी कहेंगे बहुत अंतर है। मैं समानताओं की बात कर रहा हूँ, अंतर सिर्फ एक या दो ही है। तो मुझे काफी सारे कमेंट आ गए, यार इस बात को क्लियर करो। एक्चुअली मैं इस तरह की चीजों पर मैं ज्यादा बात करता नहीं, क्योंकि लोग समझने से ज्यादा ना वो तुरंत बिफर जाते हैं, फटे पड़े हैं। और मुझे लोगों की परवाह नहीं है, पर मैं सोचता हूँ मेरी टाइम एनर्जी खर्च होगा। एक हमारे समाज में या हमारे जो मनुष्य की जो ये संस्कृति बनी हुई है संसार के अंदर, इसमें जो भी रिश्ते हैं वो सारे रिश्ते स्वार्थ पे टिके हुए हैं। जितना भी प्यार है वो सब कंडीशनल प्यार है, अनकंडीशनल लव नहीं है। मेरी पत्नी मुझसे प्यार करती है, अगर करती है तो कंडीशन है उसकी। अगर मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, हालांकि मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि प्यार जैसी टुच्ची चीजों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे लिए जिसको आप प्यार बोलते हो वो शुरू भावनाओं से होता है, अट्रैक्शन से, आकर्षण से शुरू होता है और सेक्स पे जाके खत्म हो जाता है। असली प्यार वो है जो सेक्स के बाद शुरू होता है। तो वो मैं प्यार व्यार वो ये सब बेकार की ड्रामेबाजी को मैं नहीं मानता, पर मैं मेरा जो मेरी वाइफ को देखने का नजरिया या जो रिश्ता वो बहुत ऊपर की चीज है। उसको मैं ये प्यार जैसे छोटे शब्द को कह के नहीं वो कर सकता, क्योंकि प्यार कंडीशनल होता है। मेरा कुत्ता मुझसे प्यार करता है अनकंडीशनल, पर उसके अलावा जितने भी इंसान हैं इस धरती पर, जितने भी रिश्ते हैं मेरे साथ जुड़े हुए इंसान इंसानी रूप में, उन सब की कंडीशंस हैं, पर मेरे कुत्ते की कंडीशन नहीं है। अनकंडीशनल लव आपको जानवरों से ही मिलेगा। आप भगवान से प्यार करते हो, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में जाते हो, तो आपके पास कंडीशंस है, कंडीशंस है, कंडीशन साथ में लेके जाते हो। तो जितने भी रिश्ते हैं वो सब स्वार्थ के साथ शुरू होते हैं। उसमें एक स्वार्थ होता है, एक डील होती है, बिना कही, बिना लिखी, बिना सुनी एक डील होती है हर रिश्ते में। उस घिनौनेपन को छुपाने के लिए हम कहते हैं, हम मैं बहुत प्यार करता हूं, तू मेरी जान है, और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, चांद तारे तोड़ लाऊंगा और ये करूंगा, ये सब हम अपने उस घिनौनेपन को छुपाने के लिए करते हैं, क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना कि डील है। एक्चुअली में आदमी को कुछ चाहिए, औरत को कुछ चाहिए, उस डील हुई है, अनऑफिशियली डील है, उसको ऑफिशियल में बदल दिया, पर वो डील बिना कही, बिना लिखी, बिना लिखा करार है। एक मेरी बहुत सारी सेक्स वर्कर से बात होती है, वेश्याओं से। वेश्या शब्द मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है, पर क्योंकि वो एक शब्द है तो उसको बोलने में बुराई भी नहीं होनी चाहिए, पर मैं थोड़ा उसमें सहज नहीं हूं। अब उसको इंग्लिश में प्रोस्टिट्यूशन बोलो तो अच्छा लगता है, हिंदी में वेश्या बोलो तो लगता है यार कैसी बात कर रहा है। तो ये जो पति पत्नी को या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को या पत्नी पति को बोलती है ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, या बड़ी चिंता है, ये है वो है, जो भी ड्रामेबाजी होती है, जिसको हम रोमांस रोमांस बोलते हैं ना, रोमांस भी बोल सकते हैं उसको, रोमांस बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ये हमारे साथ सेक्स के दौरान, हर आदमी यही बात बोलता है, जब उसका सेक्स चल रहा होता है, सेक्स में वो चरम सीमा पे होता है, तो उस समय वो मेरी जान और ये सब चीजें बोल रहा होता है, जो नॉर्मली भी पति पत्नी को बोलते हैं। पर क्या सच में वो इस चीज को मानता है? नहीं मानता है। वो तो उसके बाद में आफ्टर सेक्स हार्मोन्स शांत होते हैं, तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, तो वो आदमी को उस समय ये लगता है कि वो इसके लिए जान भी दे देगा, आधे घंटे बाद वो नॉर्मल हो जाता है। उस औरत को पता है कि हर आदमी की यही प्रवृत्ति है, बाद में इसने शक्ल भी नहीं देखनी, मुंह फेर के सो जाना है। सेम चीज पत्नी के साथ भी होती है। आप जो लोग अपनी पत्नियों के साथ संभोग करते, संभोग करने का आदमी अलग हो जाता है, औरत करीब जाना चाहती है, क्योंकि औरत भावनात्मक ज्यादा होती है, आदमी प्रैक्टिकल ज्यादा होता है। और अब इसमें आगे हम उस पॉइंट पे आते जो मैं बात बोल रहा था कि समानताएं हैं। हर औरत को एक साथी की जरूरत होती है, और साथी से एक उम्मीद होती है कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसका ध्यान रखेगा। और साउथ एशियन कंट्री में जैसे थाईलैंड हो गया, चाइना हो गया, मेरी चाइनीज अभी परसों लड़का मिला था बस में, तो उससे भी काफी बात हुई, तो वो बता रहा है कि चाइना में, कह रहा मैंने सुना है कि इंडिया में शादी करने के लिए लड़की वाले
लड़की के पेरेंट्स या लड़की लड़के को पैसा देती है। मैंने कहा पैसा देती है, गिफ्ट देते हैं तब जाके शादी होती है। कह रहा हमारे यहाँ पर लड़के को देना पड़ता है तब जा करके शादी होती है, मतलब लड़का देगा या लड़की अगर गर्लफ्रेंड है या उसको उसको टेक केयर करेगा उसकी फैमिली को। सेम चीज़ थाईलैंड में और साउथ एशियन कंट्री में होती है। हमारे यहाँ थोड़ा उल्टा रिवाज है, उल्टे पैदा हुए लोग, पैर पहले बाहर आए हैं, वो क्या करते हैं लड़की भी देते हैं पैसा भी देते हैं। जैसे हमारे घर में कोई कुत्ता पाल लिया है और वो कुत्ता बीमार हो गया है और बहुत परेशान कर रहा है, तो किसी को जाके बोला कि भाई ये कुत्ता संभाल ले तो और मैं तुझे बदले में पैसा भी दे रहा हूँ, उसको संभाल लियो, मेरा पिंड छुड़वा दे। इस तरीके से हम लोग लड़कियों को ट्रीट करते हैं इंडिया में, इंडियन सोसाइटी में। नहीं तो लड़की दे रहे हैं वो लड़के को तो पैर धो के पीने चाहिए कि यार तुमने अपनी बेटी दे दी, वो जो जिंदगी जिंदगी भर मेरा ध्यान भी रखेगी, मेरी सेक्सुअल डिजायर भी फुलफिल करेगी, मेरे लिए बच्चा भी पैदा करेगी, मेरे फैमिली का भी ध्यान रखेगी, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मैं उल्टा पैसे तुम्हें देता हूं। यहां तो उल्टा हिसाब चल रहा है, वो तो चौड़ा हो रहा है लड़की वालों के सामने, हम तो लड़के वाले हैं। ये है हमारा समाज, पुरुष प्रधान के नाम पे कर क्या रहा है। तो डील होती है, तो लड़की अपने पति में या अपने बॉयफ्रेंड में जो भी आप समझो, उसमें वो अपनी सिक्योरिटी देखती है, भविष्य देखती है, और एक काबिल लड़का देख करके, लड़की देखे या लड़की के पेरेंट्स देखे, एक ऐसा जो उसको जिंदगी भर संभाल सके, कुछ केस में उसकी फैमिली को भी या कम से कम उसको तो संभाल ही सके कि अभी तक हमने संभाला अब तू संभाल। तो संभालने को देखते कौन संभाल पाएगा, तो हम क्या देखते हैं सरकारी नौकरी, अपना घर, पैसा कितना है, काम धंधा कैसा चल रहा है, ये सब देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिक्योरिटी चाहिए। लड़की भी देखती है, लड़की के पेरेंट्स भी देखते हैं, इसमें गलत नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूँ कि क्या है। और जब हमें लगता है कि ये सही है, ये संभाल सकता है, हम उसको लाइफ टाइम का ठेका दे देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, कि ये लो जी शादी हो गई है, 500 लोग गवाह बन गए हैं खीर पूड़ी खा के, अब आप लाइफ टाइम इसको संभालोगे, संभाले या ना संभाले बात की बात है, पर ये होता है। ठीक है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट, बिना कहा हुआ करार, और बिना कहा हुआ भी कहा, वो पंडित सात फेरे के नाम पे जो वचन पढ़ता है वो यही सब तो ड्रामेबाजी पढ़ रहा होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ये लो जी हमारी बेटी, ठेका अब लाइफ टाइम का आपका, हमने अपनी भैंस आपके घर बांध दी है, जब तक आप जिंदा हो या ये जिंदा संभालते रहना, ठीक है, लाइफ टाइम ठेका। लड़की भी यही चाहती है, उसके पेरेंट्स भी। जो प्रोस्टिट्यूशन में है, जो वेश्यावृत्ति में है, वो कहती है हम ठेका नहीं देंगे, हम देखेंगे कि हमें रोज कौन टेक केयर कर रहा है। अब कोई उनका बॉयफ्रेंड बन जाए बदल बदल के, या वो एज ए कस्टमर, भाई आप उसका ध्यान रखो या ध्यान रखने के लिए पैसा दे दो, बात एक ही है। तो वहां पर वो एक तरह से पर डे बेसिस पे, एक जगह तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया जी, एक आदमी को ठेका दे दिया, एक जगह पे आप एजेंसी रोज बदल रहे हो या आप अपना दिहाड़ी पर काम कर रहे हो, एक तरह से पर डे पर काम कर रहे हो, डेली बेसिस पे काम कर रहे हो। दोनों में ही सिक्योरिटी चाहिए, डायरेक्ट सिक्योरिटी मिले या इनडायरेक्ट मिले, मतलब कोई पैसा दे दे और आप अपने लिए सिक्योरिटीज खरीद रहे हो, फैसिलिटी ले रहे हो, या कोई आपको पैसा नहीं दे रहा है, पति पत्नी को पैसा नहीं देता है, यार यार मैंने तेरे साथ सेक्स किया ये ले पकड़ 5,000 रुपये, नहीं, तो वो उसका टेक केयर करता है। वहां पर वो कहती टेक केयर मैं कर लूंगी, आप बताओ पैसे, वो चेंज होते रहते। ये एक समानता है, केवल इतना ही अंतर है, एक ने एक को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, एक ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। खुश कौन है ज्यादा, फ्रीडम किसके पास है ज्यादा, उसके पास है, आज मैं नहीं काम करूंगी, आज मैं दिहाड़ी पे नहीं जा रही हूं, जिसने ठेका दिया है वो मना नहीं कर सकती। सेक्स जो होता है पति पत्नी के साथ, जो सेक्स करता है उसमें हर बार क्या पत्नी राजी होती है, नहीं, पर क्योंकि ठेका दिया है मना नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, तो पत्नी की इच्छा हो या ना हो वो अपना शरीर सौंप देती है। सेम चीज ये समानता वेश्या में भी है, उसका मन है नहीं है, उसकी कोई सेक्सुअल डिजायर है नहीं है, कोई भावना है नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं, भैया पैसे दो और जो मर्जी कर लो मेरे शरीर के साथ, तो यही तो पत्नी भी करती है, यही पति भी, वो यही वेश्या भी करती है। इसमें भावनाएं कहां है, ये तो डील है। जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो कहेंगे ना नहीं नहीं हमारे अंदर फीलिंग्स है, ये वो कुछ दिन सेक्स होने के बाद, पहली बार सेक्स होने के बाद या लगातार कई बार सेक्स होने के बाद सारी फीलिंग्स खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद में वही डिटैचमेंट उत्पन्न होता है जिसको आप लोग जिम्मेदारी कहते हो। बचते कैसे हैं, नहीं नहीं देखो पहले तो हम लवर थे, अब हम शादी हो गई है, अब तो जिम्मेदारी है, अब तो ये खर्चा उठाना है वो खर्चा उठाना है, ये कहकर के अपने उस घिनौनेपन को छुपाते हो, हकीकत से मुंह फेरते हो।
अगर सच में भावनाएं हैं तो वो तो हमेशा रहेंगी ना, पर भावनाएं नहीं थी, हमें लगा कि भावनाएं थी, इंटरनली तो डील थी ना, ना वो लव एट फर्स्ट फर्स्ट साइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पहली नजर का प्यार, वो प्यार नहीं है, वो हवस है। वो देखा, एक एक नर एक मादा में क्या देखेगा बताओ आप मुझे, क्या देखेगा? पहली नजर का प्यार कभी बहन के रूप में तो नहीं होता, माँ के रूप में भी नहीं होता, एक नर का एक मादा से एक ही तरह का प्यार होता है। अभी तो माँ बेटे वाले रिश्ते पर आऊंगा तो शायद आप लोग खड़े भी ना हो पाओ जमीन पर, या भाई बहन वाले पर आऊं आऊं, अभी हम यहीं तक सीमित रहते हैं, इतना ही पहचान लो तो बहुत है। अब मैं ये क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इसको ढकना, प्रॉब्लम है अपने आप को मूर्ख बनाना और अपने रिश्ते को अपने पार्टनर को धोखा देना। आप कभी देखो, आपको क्या लगता है कि किसी ने किसी से शादी करी तो उसको जिंदगी में अब कोई औरत औरत या कोई और लड़की कभी पसंद नहीं आएगी, कभी सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं होगा? पॉसिबल है क्या ये? अगर पॉसिबल है तो या तो उसके अंदर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है या वो साइको है, जैसे वो तुलसीदास, 36 के 36 गुण मिल रहे हैं जी, सांप को रस्सी पकड़ के चढ़ गए, नदी को पार कर लिया, बाढ़ आई हुई उफान में नदी थी पार कर लिया जी, बीवी के बगैर नहीं रह सकता, समझ रहे हो आप? तो वो क्या करता है वो आदमी, वो आदमी जब अपनी बीवी के साथ होता है स्पेशली सेक्स के दौरान, वो इमेजिन करता है, क्योंकि वो उस चीज को बोल तो सकता नहीं अपनी बीवी को कि यार मुझे वो कोई औरत बहुत अच्छी लगी, कोई लड़की बहुत अच्छी लगी, क्यों, किस रूप में अच्छी लगी? बहन के रूप में भी नहीं लगी, माँ के रूप में भी नहीं लगी, तो फिर कौन से रूप में अच्छी लगी? फिर जिस रूप में अच्छी लगी उसके साथ क्या करना था, राखी बनवानी थी? नहीं, फिर एक ही चीज करनी थी, तो वो तो मैं कर नहीं सकता, वो मैं बोल नहीं सकता, तो इमेजिन तो कर सकता हूं, उसको तो किसी का बाप नहीं रोक सकता। वही चीज जाती है हमारे अनकॉन्शियस में, तो वो ये चीजें चलती हैं। जिस दिन पति ने अपनी पत्नी से सच बोल दिया, जिस दिन पत्नी ने अपने पति से सच बोल दिया कि जब तुम मेरे साथ होते हो बिस्तर में तो मैं उस समय किसी और को इमेजिन कर रही होती हूँ, या जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं जो बहुत सज धस के जाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, मुझे देखे, भले सामने से तारीफ करेगा तो मैं बोल दूंगी शर्म नहीं आती तुम्हें, तो दोनों ही रिश्ते झूठ पे टिके हुए हैं, पति पत्नी को धोखा दे रहा है, पत्नी पति को धोखा दे रही है, सच बोलते ही खत्म है रिश्ता, ये तो रिश्ता ही झूठ पे टिका हुआ है। अगर आप मनुष्यों से झूठ हटा दो तो समाज का पूरा पिरामिड कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि तो पूरा का पूरा समाज का पिरामिड झूठ पर टिका हुआ है। मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, किसी भी धार्मिक स्थान पर जा रहे हैं, वहां पर किसी फीमेल को देखा, आकर्षण पैदा होगा, फिर गिल्ट होता है यार मंदिर में कैसे ही हो रहा है, तो हम झूठ बोलते हैं अपने आप को, पूरा का पूरा सिस्टम झूठ पर टिका हुआ है। अगर सच बोल दिया, जिस दिन पत्नी ने सच बोल दिया अपने पति को, किसी भी पत्नी ने अपने पति को सच बोल दिया कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूं, रिश्ता उसी दिन खत्म है। जिस दिन पति ने सच बोल दिया पत्नी को, रिश्ता उसी दिन खत्म है। क्या करे बॉस, पल्ले नहीं पड़ेगी ये बातें, जिन्हें पल्ले ना पड़े दो चार गाली देकर के दफा हो लेना, नेगेटिव कमेंट करो दफा हो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो समझदार है वो इनमें से कुछ पॉइंट्स को सोचेंगे, उससे बेहतर उसमें और एड ऑन करना चाहें तो वो कमेंट करेंगे, या अपने अंदर सोचेंगे पॉइंट उठाए ना, क्योंकि आप में से भी ज्यादातर मैरिड होंगे या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे, लिव इन रिलेशन में रह रहे होंगे। क्या ये पॉसिबल है कि इंसान एक वक्त पे एक ही को पसंद करे दूसरी को? आपके पास एक कार होता है, कार होती है, तो क्या उसके कार के होने के बाद आप किसी और कार को पसंद नहीं करते? आप एक साथ एक भाई है तो दूसरा भाई भी तो होता है, दो एक से ज्यादा कई सारे भाई होते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि इस तरह के जो रिलेशन होते हैं, फीमेल फीमेल वाले, क्या बोलते हैं उसको, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड शादी वगैरह, ये पॉसिबल है कि ये एक ही तक सीमित रहे? आप फिजिकली दबाव दे के, संस्कार के नाम पे, असूल सिद्धांत के नाम पे आदमी को बांध तो देते हो या औरत को बांध तो देते हो, यहां से कैसे बांधोगे बॉस? थॉट्स तो जनरेट होंगे, फीलिंग्स तो आएंगी, किसी को देख के चेहरे पे मुस्कुराहट तो आएगी, इसमें गलत नहीं, ये तो नेचुरल है। गलत ये है इस पे झूठ बोलना, गलत ये है इसको छुपाना अपने आप से भी।
चलो ओके गुड बाय।